दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी बातें कर लेते हैं जिसके लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया है। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में वैकल्पिक विषय के तौर पर आप कौन से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लिख लीजिए। कृषि पहला है, दूसरा पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, तीसरा नृविज्ञान, उससे अगला वनस्पति विज्ञान, अगला रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य आप ले सकते हैं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी। आपने सुना होगा कि लोग हिंदी साहित्य लेते हैं, आपने बहुत बार टॉपर के इंटरव्यू में सुना होगा। तो यदि आप इनमें से किसी एक भाषा का साहित्य लेना चाहते हैं तो उसे भी ले सकते हैं। ये तो हुई बात सब्जेक्ट की, आपके सामने हमने बता दिया। अब दो एक बातें कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। इसको समझने के लिए बहुत आसान है कि आप खुद को देख लीजिए किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि मटेरियल कितना उपलब्ध है, और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे पहला कह सकते हैं, सबसे पहले आप टॉपर्स के इंटरव्यू को सुन लीजिए, आप पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट को लेकर लोगों ने ज़्यादा अंक स्कोर किए हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य में ज़्यादातर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम, वो यदि हिंदी साहित्य लेते हैं, ऐसा देखा गया है टॉपर्स के माध्यम से, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। उसके अलावा आप समाज शास्त्र पढ़ सकते हैं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीन बातों का ध्यान रखिए, मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि तभी आप उसे डिटेल में और बहुत गहराई से पढ़ पाएंगे, और आप पिछले रिकॉर्ड्स को चेक कर लीजिए। ये तीनों बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप सही सब्जेक्ट का चुनाव कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।